नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर सेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज़ चला रहे हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो आपके सेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क इट। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक ग्लास रॉड को जब रब करा जाता है सिल्क के साथ, तो यहाँ हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि क्या होता है। इट गेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्क, इट गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क, इट गेन्स प्रोटॉन फ्रॉम सिल्क एंड गिव्स प्रोटॉन टू सिल्क। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इन जनरल मेटेलिक रोप्स आर सस्पेंडेड ऑन द कैरियर्स टेकिंग इनफ्लामेबल मटेरियल्स, द रीजन इज। ऑप्शन है ए, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द कैरियर, बी, टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कैरियर नियरर टू द अर्थ, सी, टू कीप द बॉडी ऑफ द कैरियर इन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ, एंड डी, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, टू चार्जेस दैट इज Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस डी। मतलब जो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 के, वो प्लेस करे जाते हैं किसी वैक्यूम पे डी डिस्टेंस के साथ, एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ, और उनमें जो फोर्स अप्लाई करा जा रहा है वो एफ है। इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 4 इज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड देम, द फोर्स नाउ विल बी। तो इसका सही आंसर है एफ बाय 4, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम फोर्स बिकम 1/k टाइम्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 10^14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर, द चार्ज ऑन द स्फीयर बिकम्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है 60μC। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सिमिलर स्फीयर्स हैविंग +Q एंड -Q चार्जेस आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस, एफ फोर्स एक्ट बिटवीन द टू, इफ एट द मिडिल ऑफ टू स्फीयर्स अनदर सिमिलर स्फीयर हैविंग +Q चार्ज इज कैप्ड, देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज। अब यहाँ हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 0 हैविंग नो डायरेक्शन, ऑप्शन बी 8F टुवर्ड्स +Q चार्ज, ऑप्शन सी 8F टुवर्ड्स -Q चार्ज, एंड हमारा लास्ट ऑप्शन है 4F टुवर्ड्स क्यू चार्ज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 8F टुवर्ड्स -Q चार्ज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ क्यू एंड क्यू -1, इफ द कूलॉम रिपल्सन बिटवीन देम व्हेन दे आर सेपरेटेड इज टू बी मैक्सिमम, द रेशियो ऑफ क्यू अपॉन कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू शुड बी। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 4/1 एंड ऑप्शन डी 1/4। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 इक्वल चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स दैट इज ए बी सी डी ऑफ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज एट बी विल बी। हमारे ऑप्शंस हैं 3Q² / 4πε₀a², ऑप्शन बी है 4Q² / 4πε₀a², ऑप्शन सी है 1+2√2Q2/2×4πε₀a² एंड लास्ट ऑप्शन है 2+1√2Q2/4πε₀a² तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। और ये किस बेस पे निकाला गया है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल। तो जो मेटल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है इनफाइनाइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स कैप्ट एट अ डिस्टेंस आर एग्जर्ट अ फोर्स एफ ऑन ईच अदर, इफ द चार्जेस आर हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, देन द न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज इज। हमारा पहला ऑप्शन है एफ अपॉन 8, हमारा दूसरा ऑप्शन है एफ अपॉन 4,
हमारा तीसरा ऑप्शन है 4F एंड लास्ट ऑप्शन है 4/16। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4/16, यानी डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज। तो हमारे ऑप्शंस हैं 0, नेक्स्ट ऑप्शन है कांस्टेंट लेस देन 0, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो 0। हमारा अगला क्वेश्चन है अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई पैरेलल टू द सिलेंडर एक्सिस, द टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय। हमारे ऑप्शंस हैं 2πr2e, नेक्स्ट ऑप्शन πr2, नेक्स्ट ऑप्शन πr2-πr/e, एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज 0। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी 0। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट वेरीज एट r0 फॉर। ऑप्शन है हमारे एन इलेक्ट्रिक डायपोल, अ पॉइंट चार्ज, अ प्लेन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, अ लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अ प्लेन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस विल बी। हमारा ऑप्शन ए है q/6ε0, ऑप्शन बी है q/ε0a², ऑप्शन सी है q/4πε0a², एंड ऑप्शन डी है q/ε0। जो इसका आंसर सही है वो होगा ऑप्शन ए, और इसमें इन्होंने कॉस की थ्योरम के द्वारा इसका आंसर निकाला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैप्ट इन एयर इज। तो ऑप्शंस हैं ε0, ε0-1, 4ε0-1, 4πε0-1 एंड 4πε0। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, ε0-1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड हैविंग चार्ज क्यू पर यूनिट लेंथ एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर फ्रॉम इट्स एक्सिस इज। तो दोस्तों इसका सही आंसर, तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, एंड लास्ट ऑप्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ए बाई टू डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर इज। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए q/ε0, बी q/πε0, सी q/4ε0 एंड डी q/6ε0। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी q/6ε0। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं और आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के बताना है कि कौन सा ग्राफ इस क्वेश्चन के द्वारा सही बताया गया है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू अ हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी जो ए ग्राफ है वो इसको पूरी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल ई इज सच दैट एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल टू इट्स वेट इज गिवन बाय। हमारे ऑप्शंस हैं mg/e/mg और e²g/m²। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी mg/e। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो फिगर्स दी गई हैं और आपको दो फिगर्स दिए गए हैं और साथ ही कुछ कंडीशन दी हुई हैं। तो कंडीशन देख लेते हैं।
टू पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3 फिक्स्ड अलोंग द वाई एक्सिस एक्सर्ट अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन द प्लस एक्स डायरेक्शन ऑन अ चार्ज Q1 फिक्स्ड अलोंग द एक्स एक्सिस इफ अ पॉजिटिव चार्ज Q इज एडेड Q,0 इन द फिगर सेकेंड द फोर्स ऑन Q1 इज अब यहाँ पर आपको Q1 पे जो फोर्स लग रहा है उसे पूछा गया है. ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन है शेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ऑप्शन बी है शेल इन डिक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ऑप्शन सी है शेल पॉइंट अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस. एंड लास्ट ऑप्शन है शेल इंक्रीज बट द डायरेक्शन चेंजेस बिकॉज ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ क्यू विद Q2 एंड Q1. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज. ऑप्शंस है ऑप्शन ए ऑलवेज कॉन्टिन्यूस. ऑप्शन बी कॉन्टिन्यूस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट. ऑप्शन सी डिसकॉन्टिन्यूस ओनली इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज एट दैट पॉइंट. एंड ऑप्शन डी है डिसकॉन्टिन्यूस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी डिसकॉन्टिन्यूस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन द फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज. ऑप्शन ए है डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन. ऑप्शन बी है डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट टुवार्ड द प्लेन. ऑप्शन सी है डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज. एंड ऑप्शन डी है डायरेक्टेड रेडियली टुवार्ड द पॉइंट चार्ज. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉस लॉ विल बी इनवैलिड इफ. ऑप्शन ए है देयर इज मैग्नेटिक मोनोपोल्स. ऑप्शन बी है द इनवर्स स्क्वायर लॉ इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू. ऑप्शन सी है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज नॉट अ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट. एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज. इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी द इवर्स स्क्वायर लॉ इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज. हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फेरेड. ऑप्शन बी वेबर. ऑप्शन सी सी स्क्वायर एन माइनस वन एम माइनस टू. एंड डी C2 एन माइनस वन एम माइनस टू. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी C2 एन माइनस वन एम माइनस टू. हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू एज शोन इन द फिगर. द रेशियो ऑफ द चार्जेस क्यू एंड क्यू इज. ऑप्शंस देख लेते हैं. इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए है 4. ऑप्शन बी है 1/4. ऑप्शन सी है -4. एंड ऑप्शन डी है -1/4. तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट. ऑप्शन ए फील्ड स्ट्रेंथ. ऑप्शन बी डायरेक्शन. ऑप्शन सी नेचर ऑफ चार्ज. एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ चार्ज. ये तीनों ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रिक फील्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ सिंगल नेगेटिव चार्ज. यानी यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन से फील्ड में जो इलेक्ट्रिक लाइंस बनी है वो नेगेटिव चार्ज के द्वारा बनी है. तो इसका जो सही फिगर है वो है ऑप्शन बी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज. ऑप्शन ए एन सी माइनस वन एम माइनस टू. ऑप्शन बी एन सी एम माइनस टू. ऑप्शन सी है एन सी माइनस टू एम टू. एंड ऑप्शन डी है एन सी माइनस वन एम टू. तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी एन सी माइनस वन एम टू. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज. ऑप्शन ए न्यूटन. ऑप्शन बी कुलाम. ऑप्शन सी फेरेड. एंड ऑप्शन डी डी बाय. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
Consider a region inside which there are various types of charges, but the total charge is zero at point outside the region. Option A है, the electric field is necessarily zero. Option B, the electric field is due to the dipole moment of the charge distribution only. Option C है, the dominant electric field is inversely proportional to R cube for large smaller distance from origin. And option D है, the work done to move a charged particle along a closed path away from the region will not be zero. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरफेस कंसीडर्ड फॉर गॉसेस लॉ इज कॉल्ड, यानी गॉसेस लॉ के लिए कौन सा सरफेस कंसीडर करा जाता है. तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है क्लोज सरफेस, ऑप्शन बी स्फेरिकल सरफेस, ऑप्शन सी गॉसियन सरफेस एंड ऑप्शन डी प्लेन सरफेस. तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी गॉसियन सरफेस. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब विद साइड ऑफ लेंथ ए, इफ अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट कॉर्नर ए ऑफ द क्यूब इज, यानी यहाँ पर आपको एक क्यूब दी हुई है और जिसकी साइड लेंथ जो है वो स्मॉल ए है. अगर हम इस पे एक कॉर्नर पे यानी कैपिटल ए कॉर्नर पे जब हम क्यू चार्ज अप्लाई करते हैं तो इसका जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा. तो इसके लिए हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है q अपॉन 8 एप्सिलॉन 0, ऑप्शन बी है q अपॉन 4 एप्सिलॉन 0, ऑप्शन सी है q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एंड ऑप्शन डी है q अपॉन एप्सिलॉन 0. तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा q अपॉन 8 एप्सिलॉन 0. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट गॉसेस लॉ, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है गॉस के लॉ के लिए. ऑप्शन ए गॉसियस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, ऑप्शन बी है द टर्म क्यू ऑन द राइट साइड ऑफ द गॉसियस लॉ इंक्लूड द सम ऑफ ऑल चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ऑप्शन सी है गॉसियस लॉ इज नॉट मच यूजफुल इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री एंड ऑप्शन डी है गॉसियस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस कंटेंड इन द कूलम्स लॉ. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी गॉसियस लॉ इज नॉट मच यूजफुल इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री, यानी जब सिस्टम में कोई सिमेट्री होती है तो जो गॉस का लॉ होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को कैलकुलेट करने में इतना यूजफुल नहीं होता है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी एज शोन इन द पिक्चर, यानी यहाँ आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, इसके कॉर्नर्स हैं ए बी सी डी जहाँ पर आपको फोर चार्जेस को अप्लाई करा गया है. द फोर्स ऑन द चार्ज कैप्ट एट द सेंटर ओ इज, यानी यहाँ पर जो ओ पॉइंट दिया हुआ है वहाँ पर चार्ज जो होगा वो कितना होगा. तो यहाँ ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी अलोंग द डायगोनल ए सी, ऑप्शन सी अलोंग द डायगोनल बी डी एंड ऑप्शन डी परपेंडिकुलर टू साइड ए बी. तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा सी अलोंग द डायगोनल बी डी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन एंड ऑफ अ कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ न्यूट्रियल पिथ बॉल एंड अदर एंड टू अ नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक रॉड, व्हाट विल बी द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ पिट बॉल. तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा नेगेटिव चार्ज, यानी अगर हम ऐसी कंडीशन बनाएं जहां पर कॉपर वायर जो हो वो एक न्यूट्रल पिट बॉल से कनेक्ट हो और जो दूसरी तरफ हम उसे नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड से जोड़ें तो जो पिट बॉल का चार्ज होगा वो होगा नेगेटिव चार्ज. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एन इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक एंड अ कंडक्टर, डिफ्रेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश करना है इंसुलेटर जो कि डाइलेक्ट्रिक है और एक कंडक्टर को. तो हम इसे इस तरीके से बता सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जबकि जो कंडक्टर होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब हम कोई चार्ज किसी भी कंडक्टर को देते हैं तो वो बहुत ही जल्दी पूरे कंडक्टर के सरफेस पे फैल जाता है, लेकिन इंसुलेटर्स में द चार्ज स्टे एट द सेम प्लेस, लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं उनमें जो चार्ज होता है वो सेम प्लेस पे ही रुक जाता है या रह जाता है.
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ नायलॉन और प्लास्टिक कॉम्ब गेट इलेक्ट्रिफाइड ऑन कॉम्बिंग और रबिंग बट अ मेटल स्पून डज नॉट। मतलब जो नायलॉन और प्लास्टिक कॉम्ब होती है वो इलेक्ट्रिफाइड कैसे हो जाती है कॉम्बिंग और रबिंग करने पे, जबकि मेटल के जो स्पून होते हैं वो नहीं होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द चार्ज ऑन अ मेटल स्पून डिस्चार्जेस थ्रू अवर बॉडी टू द ग्राउंड एज बोथ द कंडक्ट बोथ आर कंडक्टर्स, बट वेन अ नाइलॉन और प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड ड्यू टू द फ्रिक्शन इट एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज विच स्टे ऑन इट एज इट इज एन इंसुलेटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेटेलिक स्फीयर्स हैविंग सेम शेप एंड साइज बट वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ एल्यूमिनियम आर बोथ प्लेस्ड इन एन आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच मेटेलिक स्फीयर विल मोर चार्ज बी इंड्यूस्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा मेटेलिक स्फीयर्स पर सेम चार्ज होगा क्योंकि जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो मेटल्स के लिए सेम होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट कॉजेज द चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन बाय फिक्शन कंडक्शन इंडक्शन देन इट इज चार्ज। मतलब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्ज होने का क्या कारण होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को फ्रिक्शन कंडक्शन या इंडक्शन के द्वारा लूज या गेन करता है तो वो चार्ज हो जाता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है, इट मीन्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इज एडिड लाइक एलजेब्रिक नंबर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज अ चार्ज रिंग बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। यानी जो एक चार्ज रिंग होता है वो कब पॉइंट चार्ज की तरह रिएक्ट करता है या बदल जाता है, ऐसा कब वो रिएक्ट करता है? व्हेन द रेडियस ऑफ रिंग इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस अंडर कंसिडरेशन। यानी जो रेडियस होता है किसी रिंग का, जब वो स्मॉलर होता है या बहुत कम होता है उस कंसिडर डिस्टेंस से। टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ आइडेंटिकल साइज हैव चार्जेस क्यू ए एंड क्यू बी रेस्पेक्टिवली। अ थर्ड स्फीयर सी ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज्ड इज बॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट एंड देन इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ। वॉट आर द न्यू चार्ज ऑन ए एंड बी। जो फाइनल चार्ज स्फीयर ए पर होगा वो होगा क्यू डैश ए इज इक्वल्स टू क्यू ए अपॉन टू, एंड फाइनल चार्ज जो स्फीयर बी पर होगा वो होगा क्यू डैश बी इज इक्वल्स टू टू क्यू बी प्लस क्यू ए अपॉन फोर। क्योंकि वहां पर हमने क्या करा था, पहले हमने सी स्फीयर को ए के साथ करा था, उसके बाद ए से अटैच करा था, उसके बाद हमने उसे बी से अटैच करा था। यानी जो बी पे आया है, मतलब जब हम बी से अटैच करते हैं उसे, तो जो ए का चार्ज है वो भी उसमें इंक्लूड होगा। इसी वजह से यहाँ पर जो बी का आंसर आया है वो ए को ऐड करके आया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज क्यू वन प्लस क्यू टू इज इक्वल्स टू जीरो सिग्निफाई। यानी क्यू वन प्लस क्यू टू इज इक्वल्स टू जीरो क्या सिग्निफाई करता है? क्यू वन प्लस क्यू टू इज इक्वल्स टू जीरो, अगर हम इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो क्या होगा, क्यू वन इज इक्वल्स टू माइनस क्यू टू, जबकि क्यू वन और क्यू टू आर द टू चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी Q1 और QQ2 जो होते हैं वो दो चार्जेस होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कॉज ऑफ क्वांटिसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, द मिनिमम चार्ज दैट इज स्टेबल इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, देयरफॉर इलेक्ट्रिक चार्ज इज सेट टू बी क्वांटाइज्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी कंटेन्स स्मॉल एन वन इलेक्ट्रॉन्स एंड स्मॉल एन टू प्रोटॉन्स देन व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। तो जो एन वन इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो होगा माइनस एन वन ई, और जो एन टू प्रोटॉन्स पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो प्लस एन टू ई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या होती हैं?
तो इसकी लिमिटेशन ये होती है कि ये केवल पॉइंट चार्जेस पे अप्लाई होता है. इट इज़ अप्लाइड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस. व्हाट डज स्मॉल ई यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी सिग्निफाई? डिफाइन 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. यानी हमें आपको बताना है कि 1 कूलम्ब क्या होता है किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज का. तो 1 कूलम्ब इज दैट चार्ज when placed in vacuum at a distance of 1 meter from an equal and similar charge would repel it with a force of 9×10⁻⁹ newton. हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यहाँ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की 2 प्रॉपर्टीज को बताना है. तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत ही कंजर्वेटिव होता है नेचर में. और इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि इट डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन 2 चार्जेस. यानी ये डिपेंड होता है 2 चार्जेस के बीच के मीडियम पर. तो ये था हमारा वीडियो सेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स के क्वेश्चंस के बारे में. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ. वीडियो में आप अंत तक बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.